गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. थॉट ऑफ द डे, द माइंड इज़ एवरीथिंग. व्हाट यू थिंक यू बिकम, मीन्स दिमाग सब कुछ है. जो आप सोचते हो वो बन जाते हो. मीन्स कहने का मतलब है कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं. अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ने में कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग वैसे ही बनते जाते हैं. अगर हम ये सोच लें कि हम सबसे अच्छे हैं, हम पढ़ लिख के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, तो आप वो बन जाते हैं. मीन्स जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बनेंगे. इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, और अच्छा काम करिए. ओके. In this lesson, we are going to learn about storage devices, chapter 9. Let's learn about what is storage, different types of storage devices. What is storage? Storage kya hota hai? The area in which you can store your important things is called storage. Means ऐसी जगह जहाँ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पे हम लोग अपने सामान को store करके रखते हैं, means संचित करके रखते हैं, एक साथ रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Storage बोलते हैं. जैसे कि आपकी अलमीरा हो गई, school bag, lunch box, ऑफिस बैग, फ्रिज, ये सब में हम लोग क्या करते हैं? सामान को अपने एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं. वरना क्या होगा, सामान इधर उधर पड़े रहेंगे. आपके स्कूल बैग में आपकी बुक्स, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, सब कुछ आ जाता है. वरना एक एक अलग अलग आप लोग अलग अलग लेके चलना पड़ता है. तो मीन्स आपका बैग क्या है? एक स्टोरेज का वर्क करता है. मीन्स एक भंडार, संचित सामान का वर्क करता है. Look at the given pictures of Almira. अब आप इस pictures में देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे सारे सामान को बिल्कुल अच्छे से store करके रखा हुआ है. अगर Almira ना हो घर में तो सारे सामान क्या हो? इधर उधर पड़ा हो. इसलिए सारे, देखो, इस सब सारे कपड़े इसमें store करके रखा हुआ है. These are is used to store your things like clothes, shoes, etc. अब देखिए, इसमें सारे सामान को store करके एक साथ रखा हुआ है. कपड़े आपके, शूज हो गए, सॉक्स ना. यू कीप योर क्लॉथ्स इन एन अलमीरा, सो इट इज़ अ स्टोरेज प्लेस. दे आर कॉल्ड स्टोरेज प्लेस. अब जैसे जो कपड़े वगैरह अलमीरा में आपके रखे हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज प्लेस बोलते हैं. मीन्स भंडारण स्थान बोल सकते हैं, या जहाँ पे हमारा सामान संचित करके रखा जाता है वो. ओके. एवरी डे यू कैरी योर स्कूल बैग. एवरी डे यू कैरी योर स्कूल बैग. योर स्कूल बैग इज़ अ स्टोरेज प्लेस फॉर कीपिंग योर बुक्स एंड नोटबुक्स. स्कूल बैग, अब आप लोग डेली अपने स्कूल बैग को कैरी करके स्कूल ले जाते हैं, ठीक है. उसमें आप लोग क्या क्या रखते हैं? पेंसिल बॉक्स हो गया, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स में ये सब रखा, बुक, लंच बॉक्स, बॉटल, ये सब हम अपने स्कूल के बैग में आप स्टोर करके रखते हैं. मीन्स आपका जो स्कूल बैग हो गया वो स्टोरेज प्लेस है ना. सब सारा सामान स्टोर करके रखा जाता है उसमें. तो ये भी कैसा वर्क करता है स्कूल बैग आपका? एक स्टोर प्लेस का वर्क करता है. You keep food and fruits in the lunch box that you carry to the school. अब आप लोग अपने लंच बॉक्स में, मीन्स जो टिफ़िन का आपका ये बॉक्स होता है, इसमें आप लोग फूड, फ्रूट्स, जो भी है इसमें कैरी करके आप लोग स्कूल लेके जाते हैं. तो लंच बॉक्स कैसा वर्क करता है? एक स्टोरेज का वर्क करता है ना, स्टोरेज प्लेस का वर्क करता है. Your father keeps office papers, files, pens, etc.
In an office bag. It is a storage place. Office bag, आपके father जब office जाते होंगे तो क्या होता है कि उसमें paper, files, pen ये सब भी रख के store करते हैं ना, तो क्या है bag आपका क्या हो गया, storage place हो गया, ठीक है. A refrigerator is a storage place to keep fruits, vegetables, cold drinks, chocolates and other eatable things. जो आपका फ्रिज जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, इसमें भी बहुत सारी थिंग्स आप देख रहे होंगे, बॉटल, जैम, सब कुछ रखा जाता है. फ्रूट, वेजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चॉकलेट, ये सब खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो स्टोर करने वाली होती हैं वो कहाँ रखी जाती है, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में. ये भी एक क्या होता है, स्टोरेज प्लेस का वर्क करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. अब जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो ऐसी सामग्री जो डिजिटल चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ आपकी हो गई, वीडियोस, गेम, ये सब कुछ. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, पेन ड्राइव. पेन ड्राइव में बहुत सी चीज़ें स्टोर करके रखी जाती है. सिमिलरली अ कंप्यूटर आल्सो स्टोरेज इट्स डाटा इन अ सीडी और पेन ड्राइव. यू कैन स्टोर गेम्स, लेटर्स, स्टोरीज, ड्राइंग्स, सॉन्ग्स एसेट्रा इन देम. यू कैन यूज़ द स्टोर डाटा वेन एवर यू नीड इट. मीन्स जितनी भी हमें स्टोर करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि गेम, लेटर, स्टोरीज, ड्राइंग, सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें कंप्यूटर में भी स्टोर करके रखी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडी या पेन ड्राइव. सीडी में या पेन ड्राइव में, दिस इज़ पेन ड्राइव, इसमें स्टोर करके रखी जाती है. हार्ड डिस्क ड्राइव. अ हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, फुल फॉर्म ऑफ HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इज़ अ नॉन वॉलेटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस. इट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डिजिटल डाटा फ्रॉम अ प्लानर मैग्नेटिक सरफेस. अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ परमानेंट स्टोर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर. वी कैन परमानेंटली स्टोर डाटा इन टू द ड्राइव. द हार्ड डिस्क ड्राइव कम्स इन वैरायटी ऑफ साइज. Nowadays, the capacity of a hard disk is up to 10 terabytes या 10 GB. This is hard disk drive. इसमें भी ये भी कंप्यूटर में ही होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट है, जो कि क्या होता है, इसमें भी सारी चीज़ें हम लोग हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि गेम, आपका सॉन्ग, वीडियोस, मूवीज. ओके, the area in which you can store your important things is called storage. ऐसा क्षेत्र या ऐसी जगह जो चीज़ें हम जहाँ पे कोई भी वस्तु को संचित करके रखते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज या भंडारण बोलते हैं. A computer stores its data in a CD, pen drive and hard disk drive. अब कंप्यूटर में हम लोग कहाँ कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं चीज़ों को, जैसे कि CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव. ओके, यू कैन स्टोर गेम्स, लेटर्स, स्टोरीज, ड्राइंग्स, सॉन्ग्स एसेट्रा इन अ CD और पेन ड्राइव. अब हम लोग गेम, लेटर, स्टोरी, ड्राइंग, ये सब CD और पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं. यू कैन यूज़ द स्टोर डाटा वेन एवर यू नीड इट. हम लोगों को जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, उसको सब हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, स्टोरेज डिवाइसेस, चैप्टर 9, वर्ड एसेंट मीनिंग, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, प्लेस, स्थान, कीपिंग,
रखना. इटेबल, इटेबल मीन्स खाने की वस्तु. सिमिलरली उसी तरह से. रिट्रीवल बचाना. सरफेस सतह. परमानेंट स्थाई. वैरायटी प्रकार. कैपेसिटी क्षमता. स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स वस्तुओं को संचित किए रखने की क्रिया या भंडार. ओके, ये भी वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में राइट करनी है. ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स. आपको यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से जो भी है जो फिल करना है. ठीक है. यू कीप योर क्लॉथ्स इन एन अलमीरा. हम लोग कपड़े कहाँ पे रखते हैं? अलमीरा में. आई स्कूल बैग इज़ यूज टू कीप द बुक्स एंड द नोटबुक्स. बुक्स और नोटबुक्स जो आपकी होती है, नोटबुक्स मीन्स कॉपी, उसे हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं? स्कूल बैग में. यू कैन यूज द स्टोर डाटा वेन एवर यू नीड इट. यू कैन यूज द स्टोर डाटा वेन एवर यू नीड इट. यू कीप फूड एंड फ्रूट इन द लंच बॉक्स दैट यू कैरी टू द स्कूल. स्कूल बैग, स्कूल बैग में हम लोग फूड और फ्रूट दोनों को किस में कैरी करके ले जाते हैं? लंच बॉक्स में ना. अ रेफ्रिजरेटर इज़ अ स्टोर स्टोरेज प्लेस टू कीप फ्रूट्स वेजिटेबल्स कोल्ड ड्रिंक्स चॉकलेट्स एंड अदर इटेबल थिंग्स. हम लोग फ्रूट वेजिटेबल कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट ये सब कहाँ पे स्टोर करते हैं? रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज में. बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन आंसर्स. यू कीप योर क्लॉथ्स इन एन अलमीरा. कपड़े आप लोग कहाँ रखते हैं? अलमीरा. अ कंप्यूटर ऑल्सो स्टोर इट्स डाटा इन अ पेन ड्राइव एंड सीडी. योर स्कूल बैग इज अ स्टोरेज प्लेस फॉर कीपिंग योर एंड बुक्स एंड नोटबुक्स. अब स्कूल बैग में आप लोग बुक्स कपड़े लेके जाते हैं? नहीं, बुक और नोटबुक को लेके जाते हैं ना. अ रेफ्रिजरेटर इज अ स्टोरेज प्लेस टू कीप इटेबल्स. खाने की चीज़ें कहाँ पे हम लोग रखते हैं? फ्रिज में. उसको क्या बोलते हैं? ईटेबल. आंसर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर वन, व्हाट इज स्टोरेज. स्टोरेज क्या है? द एरिया इन विच यू कैन स्टोर योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कॉल्ड स्टोरेज. द एरिया इन विच यू कैन स्टोर योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कॉल्ड स्टोरेज. जहाँ पे हम लोग अपनी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो वस्तु होती है, उसको एक साथ संचित करके रख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं. ओके, आई रिपीट अगेन, द एरिया इन विच यू कैन स्टोर योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कॉल्ड स्टोरेज. ओके, नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डू वी यूज स्टोरेज. व्हाई डू वी यूज स्टोरेज मीन्स हमें स्टोरेज की ज़रूरत क्यों होती है, उसका यूज़ क्या है? आंसर है, स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डाटा. स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डाटा. जितने भी डाटा हो, डाटा को यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोगों को स्टोरेज की ज़रूरत होती है. स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डाटा. व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? डिवाइस, सॉरी, ड्राइव विच परमानेंटली स्टोर्स द डाटा. जो
हमेशा के लिए स्थायी रूप के लिए, जहाँ पे हम लोग सारे डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, फुल फॉर्म ऑफ HDD. अगर आपसे कोई पूछे फुल फॉर्म ऑफ SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर इज हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव. टाइम टू डू, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर ईच पिक्चर्स इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड. अब आप लोग को पिक्चर को देखते हुए यहाँ पे उसका फर्स्ट लेटर राइट करना है. व्हाट इज दिस, दिस इज स्नैक, तो एस, स्नैक का फर्स्ट लेटर एस. दिस इज ए टाइगर, टी, आउल, ओ, रैट, आर, आंट, ए, ग्रैप्स, एलिफेंट. व्हाट इज दिस, दिस इज ए पपी. ईगल, वैन, आइसक्रीम, कैट एंड अर्थवॉर्म. ओके, राइट द नेम. नाउ राइट द वर्ड टू टाइम्स टू लर्न इट्स स्पेलिंग. आप लोग को सारी स्पेलिंग्स को यहाँ पे टू स्पेलिंग राइट करके उसको लर्न भी करनी है. फन टाइम, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ DVD, CD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव इन द बॉक्सेस बिलो. आई रिपीट अगेन, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ DVD, CD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव इन द बॉक्सेस बिलो. ये फोर आप लोगों को DVD, CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यहाँ पे उसकी पिक्चर को पेस्ट करना है और उसके नेम भी मेंशन करने हैं. ये पूरा चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में भी और बुक में भी. वर्ड मीनिंग राइट करनी है और इसे पूरा अच्छे से लर्न करना है. ओके.